दोस्तों, यूपी पेंशन के विधवा पेंशन का स्टेटस आप किस तरह से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चेक करेंगे, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दो तरीके से बताने वाला हूं। जैसा कि आप ओटीपी डाल के और बिना किसी ओटीपी के भी आप अपना विधवा पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो है ओटीपी डाल के आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आप अपने मोबाइल से ओटीपी डाल के किस तरह से अपना विधवा पेंशन का स्टेटस किस तरह से चेक करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यूपी पेंशन की ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाना होता है, जैसा कि मैंने इस पोर्टल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके इस पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर में तीनों पेंशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे वृद्धा पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने विधवा पेंशन का स्टेटस किस तरह से चेक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में अगर आप मोबाइल से चेक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में ये तीनों ऑप्शन शो होकर नहीं आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको निराश्रित महिला पेंशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होता है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो लिखा होता है योजना के विषय में, तो आपको सिंपली योजना के विषय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरह का अगला स्टेप ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है आवेदक लॉगिन, तो आपको सिंपली आवेदक लॉगिन पर क्लिक कर देना है, और आवेदक लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरह का अगला स्टेप ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है विधवा पेंशन, तो आपको सिंपली विधवा पेंशन पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन आईडी सिंपली आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है, और यहाँ पर लिखा होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसा कि आपके पेंशन में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर लेना है, आपको लिख देना है, और उसके बाद में आपको सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंक का ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा होता है एंटर ओटीपी, तो आपको यहाँ पर अपना ओटीपी सिंपली फिलअप करना होता है, जैसा कि आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपका ओटीपी गया होगा आपको उस ओटीपी को यहाँ पर सिंपली फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है कैप्चा कोड, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर कैप्चा कोड हेयर पर लिख देना है, आपको इस पर एंटर कर लेना है, और कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, अपना विधवा पेंशन का स्टेटस चेक करना है, जैसा कि ये विधवा पेंशन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब दोस्तों, आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और ओके वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर ऊपर में लिखा होता है महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु आवेदन द्वारा भरा गया आवेदक पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर आपका पूरा स्टेटस ओपन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का यहाँ पर स्टेटस शो हो के आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर वीडियो और HDM और DWO के माध्यम से यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अगर 5 लेवल तक आपका फॉरवर्ड हो चुका होगा, रीवेरीफाइड आपका पेंशन हो चुका होगा, तब तो आपका पेंशन बन गया होगा। जैसा कि यहाँ पर अभी 5वें लेवल तक नहीं पहुँचा होगा, फॉरवर्ड नहीं किया गया होगा, तब तो यहाँ पर आपका 4थे लेवल पर ही अभी रुका होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑन डेट भी लिख के आ रहा होगा, और यहाँ पर 5वें लेवल वाले ऑप्शन पर आप देखेंगे तो ऑन डेट लिख के नहीं आ रहा होगा, और यहाँ पर अगर आपका 5वें लेवल तक कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ को ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा होता है PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, यहाँ पर आपका अगर एक्सेप्टेड होता है तब तो आपका पेंशन श्योरली बन चुका होगा, और अगर यहाँ पर एक्सेप्टेड की जगह रिजेक्टेड लिख के आ रहा होगा या टू बी अपलोडेड लिख के आ रहा होगा, तब आप समझ जाएगा कि अभी जो है आपका विधवा पेंशन अभी नहीं बना हुआ है। तो अब आपको थोड़ा नीचे आना है, जैसा कि यहाँ पर आपका पूरा पेंशन का डिटेल चेक करना है, तो यहाँ पर आपका पूरा पेंशन का डिटेल भी ओपन होके आ रहा होगा कि इसको जो है अच्छी तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आप ओटीपी डाल के चेक करते हैं, जैसा कि आपका अगर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है पेंशन में, आप अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के इस तरह से चेक कर पाते हैं। और अगर आप बिना किसी ओटीपी के चेक करना चाहते हैं अपना स्टेटस विधवा पेंशन का, तो आप किस तरह से चेक करेंगे, जैसा कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको इस वीडियो के टाइटल पे टेस्ट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन
ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों पेंशन का आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। जैसा कि अगर आप विधवा पेंशन का स्टेटस बिना किसी ओटीपी के चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि आपको विधवा पेंशन के डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करना है, आप इस लिंक पर जैसे टच करेंगे, इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पर ये जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, और ओके पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर अभी कोई भी डिटेल ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो निराश्रित महिला पेंशन का पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपना पेंशन का स्टेटस किस तरह से चेक करना है, इसको डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो 3149 करके नंबर लिखा होगा ना लास्ट में, आपको यहाँ पर अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली फिलअप करना होता है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसा कि यहाँ पर बीच में भी एक जगह 3149 करके नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पर आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपली फिलअप करना होता है, और यहाँ पर बीच में एक बार और लिखा होता है 3149, आपको इसको जो है सेवली इस तरह से छोड़ देना है आपको स्टार्टिंग में, और यहाँ पर आपको लास्ट में पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली अपने मोबाइल पर ओके पर क्लिक करना है। आप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है, और एंटर आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो है आपके सामने पूरा फिलअप होके आ जाएगा, जैसा कि आपका स्टेटस जो है आपके मोबाइल में पूरा ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल दिया हूँ, और जैसे डाल के यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 4 तक का यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। जैसा कि आप अगर ओटीपी डाल के चेक करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 5 लेवल होता है, और अगर आप बिना किसी ओटीपी के चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 4 लेवल का यहाँ पर आपका स्टेटस शो होकर आता है। जैसा कि यहाँ पर चारों लेवल में यहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप होता है। जैसे यहाँ पर री वेरीफिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो चौथे लेवल में यहाँ पर शो होके आ रहा है, और यहाँ पर री वेरीफाइड भी हो चुका है, और यहाँ पर ऑन डेट भी लिख के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर री वेरीफाइड आपका ऑन डेट लिख के नहीं आ रहा होगा तब आप समझिएगा कि अभी आपका पेंशन नहीं बना हुआ है, और यहाँ पर आपको जो है पीएफएमएस स्टेटस भी चेक कर लेना है। और दोस्तों आप बिना किसी ओटीपी के चेक करते हैं, अगर आपका पेंशन बना भी होगा तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपका पेंशन का पैसा जितना आता भी होगा तो यहाँ पर आवेदक के भुगतान का विवरण में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा भी शो होकर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये जो है आपके खाते में ट्रांसफर हुआ है, और यहाँ पर लास्ट का आपका खाता संख्या भी शो होकर आ रहा है, 3 डिजिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो है आप अपने विधवा पेंशन का स्टेटस ओटीपी डाल के और बिना किसी ओटीपी के अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।